आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति आदि सभी को बहुत ही सरल ट्रिक्स के द्वारा याद करवाएंगे। तो आप पूरी ट्रिक्स देखें। ट्रिक्स देखने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आते हैं और जिंदगी भर के लिए आपको याद नहीं होते हैं तब फिर आप कमेंट करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक आपको चित्र बनाना होगा। ऐसा आप एक चित्र बना लेंगे। देख रहा ठीक है, ये अपना ध्रुव, ठीक है, इधर देख जाओ, ये अपना वो ध्रुव, ये अपना हो गया फोकस, ठीक है, ध्यान करते हैं ना, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया आपका अनंत। ये देख चित्र तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बना लो, सीधी सीधी लाइन खींचनी अपन ने, लाइन खींच ली और ये अपन ने अवतल दर्पण का एक चित्र बना लिया। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, और सब परीक्षा में आता है, ठीक है, फिजिक्स का है ये। अब अपन को क्या करना है, यहां पर यहां से अपन गिनती डालना है, क्या गिनती, ठीक है, यहां पर गिनती लिख दी, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, ठीक है, यहां पर अपन दो गिनती लिख देंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। फिर अपन यहां पर तीन लिख देंगे, यहां पर चार, यहां पर पांच, यहां पर छह, ठीक है, इन्हें तो कर सकते हैं अपन, ठीक है, एक बार और देखिए, क्या किया था अपन ने, एक अपन ने एक साधारण सा चित्र बनाया था, ऐसा ऐसा, जी क्या है, जी पॉलिश कर रहा है, क्या कर रहा है, पॉलिश। यहां अपन ने ध्रुव भी बनाया था, ठीक है, और यहां पर अपन ने क्या फोकस माना था, क्या माना था, फोकस, यहां पर ने क्या माना था, वक्रता केंद्र सी, और यहां पर ने क्या माना था, अनंत, और तो कुछ अपन ने किया ही नहीं, सिंपल सी बात है। पर अपन ने गिनती यहां से स्टार्ट करी थी, करी थी, यहां एक, ठीक है, यहां दो, यहां तीन, यहां चार, यहां पांच, और यहां छह, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब परीक्षा में कैसे आता है कि वस्तु कहां रखें तो प्रतिबिंब कहां बनता है, ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार कैसा, मान प्रतिबिंब बड़ा है कि प्रतिबिंब छोटा है, ठीक है, और प्रतिबिंब बनता कैसा है, उल्टा बनता है या सीधा बनता है, ठीक है, उल्टा आवासीय या सीधा आवासीय, जी देखते हैं ना, कि देखने को दिक्कत है, दिक्कत है, ठीक है। अब बात आती है, माने परीक्षा में ऐसा आता रहता है, याद नहीं होती, जब वस्तु अनंत पर रखी है, कहां रखी है, अनंत पर, माने यहां रखी है, ठीक है, और अपनी जी के ट्रिक्स क्या है, अपनी ट्रिक्स है, ट्रिक्स है अपनी एट, क्या ट्रिक्स है अपनी एट, इसको साफ नहीं दिख रहा हो तो नीचे करना है, अपनी ट्रिक्स है एट, ठीक है, देखते हैं ना, दिख रहा है, ठीक है। अब देखें समान, जब वस्तु अनंत पर रखी, कहां रखी वस्तु, यहां रखी अनंत पे, अब अपन को ट्रिक को नाम क्या आठ, तो जब वस्तु अनंत पर रखी है, माने जब वस्तु यहां अनंत पर रखी है, यहां अनंत पर रखी है, ठीक है, तो जो बताओ इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, छह में क्या जोड़े अपन, दो जोड़ेंगे तभी तो आठ आएगा, तो जब वस्तु अनंत पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, है सर, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब प्रतिबिंब के आकार की बात करो, छह की तुलना में दो कैसा है, बहुत छोटा है, संख्या छह बड़ी दिख रही और दो कैसी दिख रही, छोटी, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा, अत्यधिक छोटा, प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, अत्यधिक छोटा, ठीक है, और जिस सभी प्रतिबिंब बनते हैं, एक से ये अपना दो हो जाएगा, ये अपना तीन, ये अपना चार, ये अपना पांच, ये अपना
छह, तो सभी प्रत्यय जो है पांच तक बनेंगे उल्टी वास्तविक, उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक और लास्ट का सीधा आवासी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। यस सर, देखो अब अगला देखते हैं। अब वस्तु माना कि अनंत और वक्रता केंद्र की मध्य रखी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र की मध्य रखी माने यहां रखी, जो परीक्षा पूछते हैं और अपने को विकल्प देंगे वस्तु कहेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र की मध्य रखी तो उसका प्रत्यय कौन बनेगा, जो अपन को विकल्प में देखना पड़ेगा। अब तुम बताना जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र की मध्य रखी माने यहां रखी, अब बताओ उसका प्रत्यय कौन बनेगा। दमक तीन, हाँ तीन बनेगा। और तीन संख्या कहाँ है जो वक्रता केंद्र सी माने सी और एफ की बीच बीच में, कितना सरल है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र की मध्य रखी, अनंत और वक्रता केंद्र मध्य रखी तो इसका प्रत्यय कहाँ बनेगा अपना, तीन बीच में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। सरल, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र मध्य रखी माने यहाँ रखी, तो पांच में तीन जोड़ेंगे तभी तो आठ आएगा, और जिस तीन कहाँ है वक्रता केंद्र फोकस कीमत, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र मध्य रखी है तो उसका प्रत्यय जो है कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। है सर, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे देखो कि प्रतिम का आकार देखो, जो पांच है और जो तीन है आठ, ठीक है, यहां से ऐसा करते हैं अपन और सही रहेगा, छह प्लस दो बराबर आठ, दूसरे में अपना क्या था पांच और तीन बराबर आठ। अब बताओ वस्तु यहाँ रखी थी अनंत और वक्रता केंद्र की मध्य यहाँ पर, तो पांच और तीन आठ है, तो जिका की मध्य सी और एफ, तो प्रतिम वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बना। अब पांच के मुकाबले तीन कैसा है, छोटा है। अब बताओ अत्यधिक छोटा जी माना जाएगा कि छोटा जी माना जाएगा, जी अत्यधिक छोटा माना जाएगा, जी छोटा, ठीक है, तो जी हो जाएगा अत्यधिक, सॉरी जी हो जाएगा छोटा, हो जाएगा छोटा, और वो कैसा उल्टा वास्तव, ठीक है, प्रतिम जो प्रकृति बनेगी किसी ने की उल्टी वास्तव। अब पूछ रहे हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी है यहाँ पर तो उसका प्रतिम कहाँ बनेगा, सोच लो सी और एफ के बीच में, ठीक है, प्रतिम का आकार कैसा होगा, छोटा छोटा। चलो अगला देखते हैं, यहाँ रख ली वस्तु तो यहाँ रख ली, अब यहाँ रखने लिख रहा है बताना, तो वही से पूछेंगे हम, जब वस्तु वक्रता केंद्र में रखी, जब वस्तु वक्रता केंद्र में रखी, अब बताओ प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, लगा दो आंख, तुम ट्रक पे ध्यान दो, आठ आना चाहिए उत्तर, क्या उत्तर आठ आना चाहिए, तो बस जब वस्तु यहां रखी वक्रता केंद्र पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पांच हजार के बीच, क्यों, जब वस्तु यहां रखी है तो चार हजार आठ नहीं होगी, सोच दिमाग लगाओ, तो वस्तु यहाँ रखी वक्रता केंद्र पे और चार में अपन चार जोड़ेंगे तभी आठ आए, ठीक है, कुछ नहीं सोच रहे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी तो प्रतिम वक्रता केंद्र पे बनेगा, खत्म बात। अच्छा तो अब प्रतिम का आकार बताओ, जिस संख्या चार है जे भी चार है, तो प्रतिम का आकार बताओ, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, लगा दिमाग, बड़ा बड़ा आकार का समान आकार का, नहीं सही बात, देखो जी जे भी चार जे भी चार, तो प्रतिम का आकार बड़ा बड़ा आकार का, कितनी ट्रिक्स है, और उसकी बात करें प्रतियोगी की प्रकृति तो भाई उल्टा वस्तु, ठीक, कोई दिक्कत है, चलो अगली देखते हैं, यहां वस्तु रख ली यहां रख ली यहां रख ली, अब यहां रखने लग रहा है अपन, अब तुमसे पूछ रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस की मध्य रखी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस की मध्य रखी तो अपन क्या करेंगे, तुरंत यहां संख्या तीन लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस की मध्य रखी प्रतिम बताओ कौन बनेगा, लगा दूंगा माने जी इसकी और की मध्य रखी माने जी यहां रखी वस्तु, अब प्रतिम कौन बनेगा, हाँ प्रतिम यहां बनेगा, अब जी कहां के बीच में, इसके और के बीच में, तो क्या जब वस्तु अपने का वस्तु रखी यहां रखी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी जाती है, अब तीन में जुड़े पांच तभी तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, कोई दिक्कत, तीन पांच आठ आठ। अब बात आती है इसकी कि प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का जो आकार है इससे बड़ा नहीं बन रहा है, बताओ संजी संख्या तीन है तो मुकाबले जो कैसा हो रहा है, पांच ज्यादा हो रहा है, तो प्रतिम का आकार कैसा बनेगा, बड़ा, अत्यधिक बड़ा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा, तो अत्यधिक छोटा, छोटा जी बराबर आकार जी बड़ा, बड़ा आकार, और प्रतिम की प्रकृति उल्टा वास्तु, उल्टा वास्तु,
अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, देखते रहे अपन ने वस्तु, देखो यहाँ पर रख लिया अपन ने, यहाँ हो अपन यहाँ रख रहा अपन है, जब वस्तु फोकस पर रखी, तुमने पूछेंगे हम जब वस्तु अपनी फोकस पर रखी, बताओ प्रतिबिंब कहाँ होने का, छह पे, क्या बात है, मानस सीधी सी, जब वस्तु फोकस पर रखी तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ऐसे सरल चीज, और इनसे पूरी चित्र बन जाएंगे फिर अपने। अब बताओ जब वस्तु फोकस पर रखी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, जब वस्तु फोकस पर रखी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अब दो के मुकाबले जी कैसा था, अत्यधिक छोटा था, उल्टा करो ना, अत्यधिक छोटा तो फिर इसके मुकाबले जी का हो जाएगा अत्यधिक बड़ा, कैसे रख, किसी किताब में नहीं लिखे अपने है? और बुक्स की बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति तो उल्टा वास्तविक, अब है कठिन चीज, अब बताया तुम यहां तक कर दी थी अपने, अब वस्तु जी रखी है फोकस और ध्रुव के बीच, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी माने एक संख्या पर रखी, एक में क्या जोड़े के आठ आ जाए, लगाओ दिमाग, एक में क्या जोड़े आठ आया, उत्तर लगाओ, सात जोड़ने पड़ेंगे, वैसे सोचो कि एक में कितने जुड़ेंगे कि उत्तर आठ आ जाएगा, बताओ छह और दो, दो एक में कितने जुड़े अपन, एक में सात, बस एक में सात जोड़ दिए अपन, उत्तर आ गया आठ। अब यहाँ तुम्हें कहीं दिख रहा है सात, नहीं नहीं दिख रहा है, तो चलो यहाँ मान लो सात, ठीक, अभी यहाँ तो ये संख्या है नहीं अपनी, अब बताना देखना बात, जब वस्तु फोकस और ध्रुव की मध्य रखी है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के दूसरी ओर बनता है, अवतल दर्पण क्या बनता है, दूसरी ओर बनता है, ठीक। अब बात आती है प्रतिबिंब का आकार, बताओ जो प्रतिबिंब जो आकार है कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, एक के मुकाबले साथ कैसा है, बड़ा है, ठीक है, बड़ा हो गया। और प्रतिबिंब की प्रकृति बस एक धार करना, सीधा आवासी, जो उल्टे वास्ते उल्टे वास्ते और जो सीधे आवासी, एक दो तीन चार पांच, जो पांच तक के प्रतिबिंब बनते माने इधर इधर की जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टे वास्ते और जो सीधे आवासी, कोई दिक्कत, चलो आपसे पूछे थे जाएगा, बता देना कैसे तुम्हें समझाएगा, हम दो चित्र तो बहुत सरल था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें है, वो तो लान खेजो और जो बना दो, ठीक है, द्वारा ध्यान खींचेगा नहीं खेचे, ठीक है। यहां अपन ने गिनती डाली थी, एक दो तीन चार पांच छह, चलो बताओ जी फटाफट, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दो पर, फोकस पर, माने फोकस पर, करेक्ट। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी तो उसका प्रतिबिंब तीन, तीन पे, माने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मध्य, ठीक। अच्छा अगला बताना, जब वस्तु फोकस पर रखी तो, फोकस पर रखी है तो इस पे अनंत पे जाएगी, हाँ तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत, अनंत पर, करेक्ट। अच्छा अगला बताना, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस की मध्य रखी है तो, तीन पर, तो इसका जाएगा पांच पे, पांच पे अनंत और वक्रता की मध्य, करेक्ट बात। और जो सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उल्टे वास्तविक। अच्छा अब बताओ, अगर वस्तु यहाँ रख दी अपन ने, यहाँ रख दी माने फोकस और ध्रुव के मध्य, तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, इसका बड़ा, बड़ा बनेगा, ठीक ठीक। और दर्पण के दूसरे सीधा वास्तविक, सारे प्रतिबिंब परीक्षा में आगे करे आओ, ठीक। ट्रिक्स का नाम क्या था, एट, माने आठ अपन को घर के अंदर, ठीक है। इसी तरह जितने भी अपने आएंगे, उत्तल दर्पण आएगा, ठीक है, लेंस आएंगे अपने, तो अगली ट्रिक्स जो अपनी रहेगी उत्तल दर्पण की रहेगी, ठीक है, उत्तर दर्पण को अपन ऐसे ही एक ट्रिक से जरा समझा देंगे, समझो तो तुम्हें आओ, कोई दिक्कत नहीं, चलो एक बार तुमसे पूछ रहा, यहाँ क्या था, फोकस, फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र, अनंत, यहाँ यहाँ ऐसे गिनती शुरू हुई थी, एक दो तीन तीन चार पांच छह, चलो बताओ, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब तीन पर, तीन पर बनेगा, माने वक्रता केंद्र फोकस पर, जब वस्तु अनंत पर रखी तो, अनंत पर रखी है तो उसके लिए आएगा फोकस पर, हाँ प्रतिबिंब का बनेगा फोकस पर, अच्छा अगर वस्तु अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, यहाँ रखी वस्तु, हाँ
तो प्रत्यय में छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? दो चीज छह पे रखी, प्रत्यय में छोटा बनेगा बड़ा बनेगा? दो उत्तर आ रहा नहीं, दो तो छोटा बनेगा। इधर की संख्या से देखा जाता है कि प्रत्यय में छोटा बन रहा है या बड़ा, बड़े आकार का बन रहा है। ठीक, समझ तुम्हें आ गया होगा। इसी तरह हमारे चैनल पर आपको सभी विषयों की जीके ट्रिक्स मिलती रहती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत पर छह पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु पांच पर रखी है तो पांच माने पांच मतलब अनंत और वक्रता के मध्य रखी है तो इसका वक्रता और फोकस के मध्य बनेगा। करेक्ट। अगर वस्तु वक्रता पर बन रखा है तो वक्री पर बनेगी। सही बात। अगर वस्तु वक्रता और फोकस के बीच में रखी है, मध्य रखी है, तो अनंत और वक्रता के मध्य बनेगी। सही है। अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो अनंत पर बनेगी। करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर वस्तु मतलब एक पे रखी है, माने फोकस और ध्रुव के बीच रखी है तो दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।